मंदसौर कृषि उपज मंडी में तीन तीन चार चार दिन बीतने के बाद भी नहीं हो रहे किसानों के ब्याज नीलाम। किसानों ने जताया विरोध। मंदसौर कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं के खिलाफ किसानों ने किया हंगामा। तीन तीन चार चार दिन बीतने के बाद भी प्याज की उपज की नीलामी नहीं हुई है एवं जिस कारण से किसानों की प्याज की उपज खराब हो रही है। किसानों ने आरोप लगाया मंडी प्रशासन पर एवं कहा कि सुबह 10 बजे से नीलामी कार्य होना चाहिए पर देखने में आ रहा है कि 12 बजे से नीलामी कार्य शुरू हो रहा है जिस कारण से किसानों को तीन तीन चार चार दिन यहां पर उपज नीलामी के लिए रुकना पड़ रहा है एवं बताया गया कि कृषि उपज मंडी में प्रवेश करने के लिए चौकीदारों को गेट खोलने का समय तक नहीं है एवं जो मंडी परिसर के अंदर प्याऊ बने हुए हैं वे आधे समय तो खाली रहते हैं जिससे किसानों को पानी से लेकर खाने तक के लिए भटकना पड़ रहा है और बाहर होटल वाले भी मनमाने पैसे वसूल रहे हैं एवं किसानों ने मंडी प्रशासन से मांग की है कि जो अव्यवस्था है उनमें सुधार होना चाहिए जिससे किसानों को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं उठाना पड़े और जल्द से जल्द किसानों का माल नीलाम हो जाए। सावन पाटीदार बालागुड़ा जी बताइए क्या परेशानी है किस बात का कहना है सर। ये मंडी क्या है कि अभी इसका कोई धनी नहीं है कोई जिम्मेदार नहीं है। अब कौन है अभी SDM साहब है तो वो कभी यहाँ जनता को देखने आते नहीं है। किसानों के माल को खाली करने की व्यवस्था नहीं है रास्ते में खाली हो रहे हैं बेचारे। इनके लिए गेट खोलने का समय नहीं है आधी रात को 2 बजे खाली करके घर पे जाते हैं उसके बाद दो दो तीन तीन दिन तक बिकते नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद अब किसानों का माल आ रहा है तो अपने किसानों ने इतनी मुश्किल से कमाया है उसके बाद आधी जगह पर ना समय पर नीलाम हो रहा है ना समय पर किसान खाना पानी कर सक रहा है। पानी पीने के लिए उसको प्याऊ है वो आधी टाइम तो खाली रहती है कोई अधिकारी देखने नहीं आता है सूद लेने नहीं आता है। जैसे किसान क्या है कि फ्री का माल ला रहा है वैसे लागत निकल रही है हमारी बस इसमें भी हमको अच्छे से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। चार चार दिन में हम घर पर जाते हैं माल भी बहुत ख़राब हो रहा है और आए ये इतनी भीड़ होने के कारण से अव्यवस्था होने के कारण से भाव में भी कम लेते हैं। फिर आधी बार तो इनके मंडी विवाद होने के कारण मंडी बंद रहती है आधी छुट्टियों से बंद रहती है माल की भीड़ हो जाती है ऐसे सही भाव नहीं मिल पा रहा है और सही सुविधा तो कुछ ही एक पैसे की नहीं मिल रही है। क्या नाम आपका? सावन पाटीदार बालागुड़ा जी सर। थैंक वर्दी जन नाम है जी। कई परेशानी है कई केला परेशानी तो यह है कि तीन तीन चार चार दिन भी क्या बिल्कुल कई मंडी को मतलब व्यवस्था से बिल्कुल परेशान है मतलब। और आज भी 12 बजे मंडी चल रही है व्यापारियों ने वन के अलावा बाजार भी डाउन ले रहा सब परेशानी है। तीन तीन चार चार दिन तक मंडी में लाइना में खड़ा दे रहा। क्या फिर खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ होटलों पे जाओ तो उनका मन के मर्जी का पैसा ले रहा 10 रुपए में चाय मिल रही इतनी सी चाय मिल रही। हाँ। सब परेशानी है प्रशासन ठंड में भी परेशानी है माल भी खराब हो रहा। तीन तीन चार चार दिन हो गए ट्रैक्टर के अंदर पड़ा हुआ माल है तो खराब ही हो रहा वो तो माल था। क्या व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इनका क्या मंडी पे ध्यान ही नहीं है पूरा इनका। हाँ, कोई धनी नहीं है। क्या लगता है कि जितना आप लोगों को समय इसमें लगता है तो इतना पर्याप्त पैसा मिल पाता है? क्या बात कहीं नहीं, 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 नहीं। यहाँ बात माँ की व्यवस्था बगड़ी था सब। यहाँ आने के बाद में तो जो उम्मीद रहती वो तो खत्म हो जाती है हमारी। क्या नाम आपका? वर्दी चंद धनगर नाम है। श्यामलाल जी क्या लेकर आए थे और कितने दिन हो गए? क्या परेशानी? हमको 2 दिन हो गए प्याज लेके आए और 2 दिन से लाइनों में लगे हुए हैं और कल शाम को यहाँ माल डाला है और अभी तक नीलाम नहीं हुआ है और आज भी बोली जो है वो 12 बजे के बाद में चालू हुई है। जो 10 बजे चालू होनी थी वो आज 12 बजे के बाद में चालू हुई और अभी तक हमारा नीलाम नहीं हुआ है। परेशानी आ रही है? परेशानी तो आ रही है यार। कितनी ठंड में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं यार सर जी यार। और क्या परेशानी इससे? इतनी ठंड में अगर हम यहाँ 2-2 3-3 दिन रुक रहे तो और क्या परेशानी इससे ज़्यादा? और क्या परेशानी? क्या व्यवस्था और सुधार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि इस मंडी को कोई भी ध्यान दिए कि अच्छा सुधार होना चाहिए। यहाँ बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा है अभी। बहुत यहाँ पर स्थिति बहुत डाउन हो गई है। क्या लेकर आए थे आप लोग? प्याज लेके आए सर। क्या अभी आवक चल रही है प्याज की? आवक तो चल रही है पर आवक कहाँ से लाएं अगर ये 2-2 3-3 दिन अगर यहाँ होते हो इसमें से हमारे कम से कम 2-2 3-3 बोरी सब खराब हो रहे हैं। यहाँ से फेल निकालना पड़ रहा है हमको। सब व्यवस्था बगड़ रही है हमारी। क्या नाम आपका? कहाँ से आए? हम करनाली जागीर से आए। श्यामलाल नायक मेरा नाम।